देखो बच्चों, पेपर में भाषा के रंग के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, प्रत्यय और उच्चारण। इसमें अंतर क्या है? इसमें तो बहुत ही आसान तरीके से सीख लो। दो शब्द हम लिख रहे हैं, एक शब्द हम इसमें लिख रहे हैं, वार्षिक। इसमें लिख रहे हैं हम अत्यधिक। ये दो शब्द लिखे हैं, दिख रहे हैं सबको? यस सर। क्या नहीं से दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। वार्षिक और इसमें अंतर क्या है? प्रत्यय में हमेशा प्रत्यय बाद में होता है। कहाँ जुड़ता? बाद में। याद करने की तरीका ही, जैसे इसमें प्रत्यय क्या वार्षिक में जुड़ता? प्लस एक। क्या लिखा है ये? क्या लिखा? वर्ष प्लस एक। तो इसमें प्रत्यय कहां पर है? अंत में जुड़ा, बाद में। ये शब्द बाद में आया, कहां आया? तो परिभाषा कैसे निकालेंगे? वे शब्दांश जिसके अंत में क्या होता है? बाद में कोई शब्द जोड़ा जाता है तो क्या बनता है तुम्हारा? प्रत्यय बनता है। यहाँ पर वार्षिक में बाद में जुड़ा, और इसमें क्या मूल शब्द में जोड़ते हैं, जो पहले हमारा असली शब्द है उसमें जोड़ के नया शब्द बन जाता है। इसमें उपसर्ग में, तो इसमें यानी पहले जुड़ता है। कब जुड़ता? पहले। और क्या बन जाता है? नया शब्द। नया कैसे बनता है? देखो ये पहले इसमें जुड़ा, इसको तोड़ रहे हैं, अति प्लस अधिक प्लस, ये तुम्हारा है मूल शब्द। इस मूल शब्द में क्या जुड़ा? अति जुड़ा, तभी तो बना अत्यधिक। ये क्या है? इसमें उपसर्ग। बोलो किस किस के समझ में आई? मतलब कि प्रत्यय हमेशा बाद में होता है और उपसर्ग हमेशा पहले लगाया जाता है। अपनी किताब में ऐसे शब्द ढूंढना जो कि प्रत्यय है और उपसर्ग है। ढूंढेंगे? पहले दूसरे चैप्टर में देखना उसके लिए। और भी आदि शब्द होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शब्द ढूंढोगे तो आपको बहुत से मिल जाएंगे। जैसे इसमें है आजीवन, हाँ इसमें जुड़ा हुआ क्या जुड़ा है बताओ? उपसर्ग। क्या जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। तो असली शब्द ये जीवन, ये और जुड़ गया। समझ में आया? अच्छा एक आध एग्जाम्पल उसका भी बता रहे हैं हम, देखो चलो। इसमें जैसे ये आ जाए सामाजिक, क्या आ जाए? तो इसमें क्या है बोलो? एक तो लगेगा ही, इसमें लगेगा समाज प्लस एक। तो ये हो गया तुम्हारा प्रत्यय, और इसमें ये जोड़ा तब बना ये सामाजिक। इसमें आ जाए आजीवन, जीवन तुम्हारा ये भूल सकते। दोनों में अंतर समझ गए? थैंक यू वेरी मच।